भुजंग प्रयातम। प्रिय छात्रों, अब हम आपका परिचय भुजंग प्रयात नामक छंद से कराते हैं। पहले तो आप इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे आचार्यों ने प्रत्येक छंद के भीतर विद्यमान उसकी जो सूक्ष्म विशेषताएं हैं उसके आधार पर उसका नामकरण किया है। तो यदि आप नाम के रहस्य को जान लें तो उससे जो है उस छंद का सारा स्वरूप आपकी समझ में आ जाता है। भुजंग प्रयातम में भुजंग का अर्थ होता है सांप, और प्रयात माने उसकी चाल, उसकी गति। सांप जो है उसके पैर तो होते नहीं, वो आगे बढ़ने के लिए पहले अपनी देह को मोड़ता है और उसी कुंडली को फिर फैला करके आगे की ओर बढ़ जाता है। उसकी जो कुंडली है उसको संस्कृत में भुज कहते हैं, इसलिए भुजंग का मतलब होता है भुजेन गच्छत इति भुजंगः। जो अपनी कुंडली के बल पर आगे बढ़ता है उसे कहते हैं भुजंग, और भुजंग के जो उसकी गति है, भुजंगस्य प्रयातम इव प्रयातम यस्य तत् भुजंग प्रयातम, भुजंगस्य प्रयातम इव प्रयातम यस्य तत् भुजंग प्रयातम। संस्कृत में इस प्रकार की व्याख्या इसकी होगी छंद की, यानी सांप की चाल की तरह चाल होती है जिस छंद की, उस छंद को संस्कृत में भुजंग प्रयात कहते हैं। आपको कितनी प्रसन्नता होगी ये जान के कि ये छंद जो है भुजंग प्रयात छंद, ये सांप की तरह सरपट आगे बढ़ता है। ये आपको कैसे ज्ञात होगा? ये ज्ञात होगा इस छंद के प्रत्येक चरण में आने वाले अक्षरों में जो गति होती है उसको जो है अक्षर मैत्री कहते हैं। आप बड़े होकर के इसको पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा कि हर एक अक्षर की दूसरे अक्षर के साथ एक फ्रेंडशिप होती है, एक मैत्री होती है, और छंद में इसका अनुभव किया जा सकता है। तो ये जो भुजंग प्रयात छंद है ये भी 12 अक्षरों का छंद है, ठीक उसी प्रकार जैसे आपने वंशस्थ में और द्रुत विलंबित में देखा। वंशस्थ में तो आपने देखा कि जतउ जरऊ, अर्थात जगण तगण, जगण और रगण, इस क्रम में 12 अक्षर आते हैं। द्रुत विलंबित में आपने देखा कि नभौ भरौ, नगण भगण और भगण रगण, इस क्रम में अक्षर आते हैं। लेकिन भुजंग प्रयात छंद एक बड़ा विचित्र छंद है जिसमें कि दूसरा कोई गण होता ही नहीं। इसमें तो केवल 4 यगण ही एक साथ एक कंटिन्यूटी में आते हैं। 4 यगण एक कंटिन्यूटी, एक नैरंतरी में 4 गण आते हैं जो यगण कहे जाते हैं। तो अब आप पहले यगण का स्वरूप जान लीजिए। यगण किसे कहेंगे? कि आदि लघुर यह, अर्थात यगण उसे कहते हैं जिसमें आदि अक्षर लघु होता है और बाद के दोनों अक्षर दीर्घ होते हैं। अब इसका मान लीजिए कोई उदाहरण आपसे पूछे तो आप बता दीजिए विपाशा। विपाशा में वी जो है प्रथम अक्षर है, आदि अक्षर है, लघु है, और बाकी दोनों पा और शा ये दोनों दीर्घ हैं, विपाशा। अब इसी विपाशा शब्द को यदि आप 4 दोहरा दें तो आप भुजंग प्रयात का पूरा एक चरण बना देंगे। मैं आपको कई शब्द विकल्प में देता हूँ, उन शब्दों के माध्यम से आप इसके चरण की गति को या चरण के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे विपाशा 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 विपाशा, नमामो 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 नमामः, गणेशः 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 गणेशः, स्वराष्ट्रम 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 स्वराष्ट्रम। इसी प्रकार के बहुत से शब्द आप इकट्ठा कर सकते हैं, घर पर बैठ करके आप अभ्यास कीजिए। ऐसे 100-150 शब्दों को आप इकट्ठा करें कि जिनमें यगण आए, और उस यगण को 4 आप दोहरा दें तो आपकी ये कविता बन जाएगी भुजंग प्रयात में। अब इसका लक्षण के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे
आचार्यों ने इसका लक्षण भी इसी तरह से दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन छंदों का लक्षण भी एक प्रकार से उस छंद का उदाहरण बन जाता है। तो जैसे भुजंग प्रयात का जो लक्षण दिया है आचार्य केदार भट्ट ने, उन्होंने कहा भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैहि, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारैहि, अर्थात चार यकारों के द्वारा, यकार माने यहाँ पर यगण, चार यगण के माध्यम से भुजंग प्रयात का एक चरण बनता है। और क्योंकि ये समवृत्त छंद है तो जैसा एक चरण होगा वैसे ही अन्य तीनों चरण भी होंगे, तो भुजंग प्रयात में इसी तरह से चार यकार आएंगे। ये छंद जो है, मैंने बताया आपको कि इसमें अक्षरों की योजना इस प्रकार से की गई है कि एक जैसे भागता हुआ सर्प जैसे गतिशील होता है, उसी प्रकार सारे अक्षर भागते हुए से दिखाई पड़ते हैं। और ये बात जो है व्याख्या से कम समझ में आती है, बल्कि अनुभव से ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जिसे कि अनुभव तो किया जा सकता है लेकिन उसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है। तो आप देखें कि मतलब इसमें एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ, वो गोस्वामी तुलसीदास की है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के उत्तर कांड में, जहाँ पर उन्होंने एक शिवाष्टक लिखा है, रुद्राष्टक लिखा है, वहाँ पर उन्होंने एक कविता लिखी और वो कविता बड़ी लोकप्रिय है इस समय भारतवर्ष में। उसमें जो है उन्होंने भुजंग प्रयात छंद का प्रयोग किया है। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम, नमामीश मीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। आपको रुचिकर लगी ये कविता? आप देखें कि इस कविता में कितनी गति है, जिसे अंग्रेजी में फ्लो कहते हैं, कितना फ्लो है। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। इस छंद को पढ़ते समय कोई प्रयत्न भी करे तो आप रुक नहीं सकते। जैसे भागते हुए सांप को रोकना मुश्किल होता है, वैसे ही बच्चों इस छंद को पढ़ते समय इतनी गति होती है तीव्र कि बीच में आप पाठक को, गायक को रोक नहीं सकते। यही इसके भुजंग प्रयात होने का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। तो मैंने आपको बताया कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने इसका प्रयोग किया है। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास को तो हम लोग संस्कृत का भी और हिंदी का भी कवि मानते हैं, लेकिन मैं आपको संस्कृत के एकाध दो कवियों की चर्चा करूँगा यहाँ पर, जिन्होंने कि इसका प्रयोग किया है। भुजंग प्रयात छंद सच पूछे तो डिवोशनल पोइट्री यानी स्तोत्र साहित्य में, भक्ति साहित्य में बहुत लोकप्रिय हुआ। जितने भी देवताओं की स्तुतियां भगवान शंकराचार्य ने और प्राचीन आचार्यों ने लिखी हैं, प्रायः उन्होंने जो है भुजंग प्रयात छंद में ही उन्होंने अपनी स्तुतियां लिखी हैं। आदि शंकराचार्य का जो भवानी अष्टक है, भवानी अष्टक, वो तो बड़ा प्रसिद्ध है। उसमें भवानी की वंदना इसी रूप में की गई है। उन्होंने भगवती गंगा की भी वंदना में इसी प्रकार के पद्य लिखे हैं, जिसमें कि गंगा की छवि को उकेरा गया है। इसका एक पद्य मैं आपको सुना रहा हूँ, जो भुजंग प्रयात छंद में है। नमस्तेस्तु गंगे त्वदंग प्रसंगात, भुजंगास्तुरंगा कुरंगा प्लवंगा, अनंगारिसंगा सभंगा शिवांगा, भुजंगाधिपांगी कृतांगा भवन्ति, भुजंगाधिपांगी कृतांगा भवन्ति। कितनी सुंदर कविता है। एक तो भुजंग प्रयात की छवि, भुजंग प्रयात का सौंदर्य, और उसी में ऊपर से बार बार ग ग ग ग उसकी आवृत्ति होने से इसमें जो अनुप्रास अलंकार की छटा आई है, इसके कारण ये कविता कितनी सुंदर है।
और जब आप इस पूरी कविता को पढ़ेंगे तो यही चमत्कार, यही सौंदर्य आपको साहित्य में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का जो है भुजंगा प्रयात का प्रयोग हमारे आचार्यों ने किया है। एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि भुजंगा प्रयात का प्रयोग साहित्यिक ग्रंथों में थोड़ा कम किया गया है, और जो स्तोत्र साहित्य है, जो देवताओं की स्तुति का साहित्य है, उसमें प्रायः इसका प्रयोग ज़्यादा किया गया है, क्योंकि इसमें गति इस प्रकार की आती है। और अंत में बच्चों, मैं एक बहुत सुंदर प्रसंग बता करके आपको भुजंगा प्रयात का परिचय समाप्त करूंगा। हमारे जो है 17वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी के अंत में हमारे एक बादशाह थे, शहंशाह शाहजहां, आपने नाम सुना होगा, जहांगीर बादशाह के लड़के थे शाहजहां। शाहजहां के राजकवि थे पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि भी शहंशाह शाहजहां ने ही दी थी, और जब उन्होंने उनकी कविता पर प्रसन्न होकर के उनसे कुछ पुरस्कार मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने जो है मुगल दरबार की एक सामंत की जो सुंदर कन्या थी जिससे उनका प्रेम था, उन्होंने उसी का वर्णन किया और कहा कि महाराज मैं इसको अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। और बादशाह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उनकी इच्छा मान ली। ये एक किंवदंती हो सकती है, लेकिन ये एक इतिहास के रूप में संस्कृतज्ञों को ये कथा मालूम है। तो उन्होंने, पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी जो इच्छा व्यक्त की थी बादशाह से, वो इच्छा भी उन्होंने भुजंगा प्रयात छंद में ही कहा, और कहा कि हे शहंशाह, न मैं आपसे हाथी मांगता हूँ, न घोड़ा मांगता हूँ, न मुझे राज्य चाहिए और न कोई और ऐश्वर्य चाहिए, मुझे तो बस ये जो कन्या है लवंगी, हमें इसी को पत्नी के रूप में ग्रहण करने की आकांक्षा है। वो पद्य जो है बड़ा प्रसिद्ध है, आप भी उसको सुनिए। नयाचे गजालिम नवा बाजीराजिम न वित्तेषु चित्तम मदीयम कदाचित इयम सुस्तनी मस्त कन्यस्त कुंभा कुरंगी लवंगी दृगंगी करोतु। नयाचे गजालिम नवा बाजीराजिम न वित्तेषु चित्तम मदीयम कदाचित इयम सुस्तनी मस्त कन्यस्त कुंभा कुरंगी लवंगी दृगंगी करोतु, कुरंगी लवंगी दृगंगी करोतु। तो इस तरह से भुजंगा प्रयात छंद पूरे संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से अब तक बिखरा हुआ है। आज भी अनेक नए परंपरा के कवि हैं जो भुजंगा प्रयात छंद में रचना कर रहे हैं। और इस छंद में भी बच्चों, अंत में मैं बता दूं कि इसमें चरणांत यति होती है, यानी पूरा चरण कहने के बाद ही जो है पाठक विश्रांत होता है, बीच में कहीं इसमें रुकना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार का यह जो ललित भुजंगा प्रयात छंद है, आपने इसका अच्छी तरह से परीक्षण किया कि इसका नाम क्या है, नाम के रहस्य का क्या है इसका, और फिर इसमें कितने गण होते हैं और गणों का स्वरूप क्या होता है, और इसका साहित्य जो है आपको किस रूप में उपलब्ध होता है पिछले 2000 वर्षों में। आशा है कि ये छंद आपको प्रिय लगा होगा।